आज का मौसम देख लें भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा बादल बादल बने पड़े हैं और एकदम से ठंडा मौसम हुआ पड़ा है। ऊपर देख लें जी, एक तो फसलें हमारी पक चुकी हैं और दूसरा ये कि मौसम ख़राब ही होता जा रहा है। हेलो नमस्कार एंड जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। मेरे जितने भी चाहने वाले प्यारे दोस्त भाई बहन ताई ताइयाँ चाचे चाचियाँ जितने भी हैं, यानी कि भाणजे भतीजे सारे के सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग जी करते हैं शानदार व्लॉग स्टार्ट। तो आज की व्लॉग की स्टोरी भाई साहब कुछ यूँ होने वाली है कि जैसा कि मैंने कुछ महीने पहले एक व्लॉग बनाया था, उसमें बताया था आप लोगों को कि यार मेरी मम्मी की किडनी में स्टोन है, इसकी ट्रीटमेंट भी चल रही है, ठीक है ना, देसी डॉक्टर से। लेकिन आज जो है भाई साहब मसला ये पेश आ रहा है कि उनको कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। कल रात से तकलीफ़ हो रही थी, तो फिर हमने ऐसे किया, इधर के लोकल डॉक्टर से हमने दवाई ली, इंजेक्शन वगैरह लगवाए दर्द के, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। फिर मैंने थोड़ी देर पहले कार वाले को फ़ोन कर दिया था, गाड़ी मैंने मंगवा ली थी, उसे मैंने टाइम दे दिया कि 9 बजे आपने गाड़ी लेकर आ जाना है ताकि हम उसे शहर रहीमयर खान में एमरजेंसी हॉस्पिटल लेकर जा सकें, ठीक है ना। अब लेकिन मसला ये आ रहा है जी कि अभी अम्मा ने कहा है कि जी मेरे जो पेन है वो कुछ रिलीफ मिल चुका है, कुछ मैं अभी ठीक हूँ। तो ऐसे करते हैं, अभी कार को कैंसिल करते हैं, हम चलते हैं मोटरसाइकिल पर। तो अभी हम जाने वाले हैं मोटरसाइकिल पर और ये हेलमेट है जी, तो हेलमेट के ऊपर हम अपना कैमरा सेट कर देंगे और साथ साथ व्लॉग भी जारी रखेंगे। तो हम चलते हैं जी, सबसे पहले हमने जाकर करवाना है अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर को भी चेकअप करवाना है, जो भी मसला होगा। काफ़ी टाइम हो गया हमने इसको यूज़ नहीं किया ना, तो भाई साहब ये एकदम से मिट्टी से भर चुका है, ये देख लीजिए मिट्टी मिट्टी लगी पूरी। ऊपर ये मैंने नाम भी लिखवाया होता हरचंद राम ब्लॉग्स, ठीक है ना। और ये देख लीजिए, तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए नहीं इसे इस्तेमाल किया। अब कैमरा, अच्छा वो जो मैं गैजेट लेकर आया था ना उस दिन कैमरा सेट करने के लिए, ये वाला था जो कि उस दिन हम दराज से हमने मंगवाया था, इसके ऊपर जो है इस तरीके से कैमरा फिट हो जाता है। अब देखेंगे, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। जब से मैंने इसको लिया है ना, जब से हमने इसको लिया अभी तक यूज़ नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया इस चीज़ को, ठीक है ना। आज पहली बार मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखेंगे क्या रिजल्ट मिलता है हमें, क्या क्वालिटी मिलती है। इसकी जो प्राइस है ना, ये वाली चीज़ सिर्फ ये इतनी सी जो चीज़, इसकी 800 रुपये की कीमत है, ठीक है ना। ये अलग है, ये 2500 रुपये में मुझे मिला था, ये पेच और ये वाला 2500 रुपये का मिला था सिर्फ, और 2000 का हेलमेट मिला था। ये 800 रुपये का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, जब से लिया ऐसे रख दिया इसको। तो जी दोस्तों, निकल चुके हैं अपने घर से बाहर और आपने मुझे ये बताना है कि कैमरा कैसा लग रहा है आपको, मतलब अच्छा तो लग रहा है ना। और आज मौसम देख लें जी, एकदम से बढ़िया है, बहुत ही प्यारा, और सफ़र करने का भी अपना ही मज़ा होगा। तो यहाँ से हम शॉर्टकट लेने वाले हैं, शॉर्टकट रास्ता थोड़ा ख़राब है। तो ये ना खेत के अंदर से जो इधर आस पास जो पहेलियाँ हैं, पंजाबी में इसको कहते हैं पहेली, यानी कि ये साड़ी पेड़ी है, थोड़ी पेड़ी है, ये पेड़ियाँ हैं ना, तो इसके अंदर से अभी हम जा रहे हैं। और ये बिल्कुल डेंजरस और छोटा सा रास्ता है जहाँ से अभी हम जा रहे हैं। तो भाई साहब अभी हम चढ़ चुके हैं मेन रोड पर और अभी जो है ना हमारा सफ़र बहुत अच्छे से गुजरने वाला है। ये रोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो यहाँ पर जंप वगैरह नहीं लगेंगे और सफ़र मज़े से गुजरेगा, क्योंकि पूरा सफ़र जो है ऐसे ही रोड पर रोड से गुजरेगा, पूरे सफ़र में ऐसे ही रोड रहेगी। तो यहाँ पर आगे गाय माता आ गई हैं, तो इनसे साइड लेते हैं, जो बच बचाव करना पड़ेगा खुद ही, ठीक है ना। ये देख लें जी, जय माता दी, जय माता दी। तो हमारे इधर ना रोड पर कोई सेफ्टी वगैरह वायर वगैरह नहीं होती कि जानवर वगैरह के लिए, बस ऐसे ही खुलेआम जो है जानवर आते जाते रहते हैं भाई साहब। ये देख लें जी, ऐसी रोड है, इसके रोड के ऊपर गोबर आपने पीछे देखा होगा, ठीक है ना। और देख लें जी साइडों पे खेत कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। और हमारा जो ये वाला जो एरिया है ना, एकदम से मॉडर्न टाइप का है, ठीक है ना। देख लें जी कितना डेवलपमेंट हो चुका है। ये ट्रैक्टर थ्रेशर ट्रैक्टर नज़र आ रही है ना आजकल जो है, मतलब कि ऐसे ही हर जगह नज़र आएंगी, क्योंकि कणक की कटाई चल रही है गेहूं की, तो गेहूं के लिए थ्रेशर जो है हर जगह पर नज़र आ जाती है।
और ये जो इस साइड पर दोनों साइडों पर दीवारें नज़र आ रही हैं, एक साइड पर स्कूल की दीवार है और दूसरी साइड पर कब्रिस्तान है, ठीक है ना। ये इस दूसरी साइड पर राइट साइड वाला जो है कब्रिस्तान है, और जगह जगह पर इस तरीके से ये जंप बनाए गए हैं ताकि गाड़ियाँ रास्ते से गुजरे। और मुझे ये नहीं पता है कि जंप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीड ब्रेकर कहते हैं या पता नहीं क्या और कहते हैं। आपने मुझे बताना, स्पीड ब्रेकर तो वो दूसरे नहीं होते हैं जो डब्बियाँ सी लगी होती है, आपने मुझे बताना है कि इसको क्या कहते हैं, यानी कि ठीक है ना। और ये एक छोटा सा अड्डा है, हम इसको अड्डा टाइप के अड्डा कहते हैं, यानी अड्डा जहाँ पर कुछ शॉप्स वगैरह होती हैं, यहाँ पर कुछ 100-200 दुकानें होंगी मोटरसाइकिल मैकेनिक की, कुछ सब्जियाँ वगैरह की और कुछ समोसे वगैरह बेचने वालों की, तो ये अड्डा इसको शागढ़ कहते हैं, ठीक है ना। शागढ़, इस इलाके का नाम शागढ़ पर भी हम पहुँच चुके हैं। और रहीमयर खान तक का रास्ता जो है ना ऐसे ही गुजरेगा, ज़बरदस्त रोड जो है ना ज़बरदस्त बन चुकी है अब हमारे इलाके में। आई होप कि आपको वीडियो अमेजिंग लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। ये मैं ना दोबारा वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि माइक पर कैमरे का माइक इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से हवा का शोर बहुत ज़्यादा आ रहा था, इस वजह से ना वीडियो इतने अच्छे से रिकॉर्ड हुई लेकिन ऑडियो इतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो मैंने सोचा वॉइस ओवर करके आपको गाइड कर देते हैं। हमारे दोनों तरफ जो खेत नज़र आ रहे हैं ये गेहूं के हैं, एक तरफ फुल कट चुके हैं, एक तरफ कट कर जो है इसकी भरियां बांध कर रखी गई हैं। तो देख लें जी, बहुत ही प्यारे प्यारे ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं, और आसमान देख लें जी एकदम से बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है, और सफ़र बड़े ही इन्जॉयमेंट से गुजर रहा है। अभी जिस सिटी में हम पहुँचने वाले हैं इसका नाम है तरंडा सोए खान, जो कि रहीमयर खान से पहले इस सिटी में हमें जाना पड़ता है। और ये छोटी सी सिटी है, ठीक है ना, खूबसूरत सी है, छोटी सी है, और अक्सर मुझे कुछ शॉपिंग करनी होती है ना थोड़ी बहुत, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। ये देख लें गधे रेहड़ियाँ आजकल आज भी इस सिटी में चलती हैं, ठीक है ना। तो अभी हम सिटी के अंदर दाखिल हो चुके हैं जी, और ये फॉर्चुनर जा रही है, मेरी ड्रीम गाड़ी है भाई साहब, ये गाड़ी आपके भाई की ड्रीम है, तो बस आप लोग सपोर्ट करें। एक दिन मेरा प्लान है इस तरीके का फॉर्चुनर लेने का, ठीक है ना। और एक बात तो है, जो चीज़ मैं ठान लेता हूँ वो मैं करता हूँ। तो देख लें जी, अभी मैंने ठाना हुआ है कि मुझे एक दिन फॉर्चुनर लेनी है, अपनी गाड़ी अपनी कमाई से लेनी है और आप लोगों से प्यार से लेनी है। तो एक दिन हम ऐसी गाड़ी पर चढ़कर देखना व्लॉग करेंगे, तो आप लोग सपोर्ट करते रहें भाई साहब, फॉर्चुनर जा रहा है, ये देख लें जी मेरी ड्रीम कार है, आई लव दिस कार। तो रश बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कुछ आस्ता आस्ता गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि पीछे हम बैठी हुई थी ना, तो मैं स्पीड से अकेला था नहीं, क्योंकि स्पीड से चला था। और मेरे कैमरे की बैटरी भी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी टेंशन भी थी कि पता नहीं पूरा व्लॉग शूट हो पाएगा भी या नहीं। और ये देख लें जी, रक्षे पर गन्ने लेकर जा रहे हैं काट कर, और हमारे इस राइट साइड लेफ्ट साइड पर जो है स्कूल की दीवारें नज़र आ रही हैं, और आगे जो मोड़ आने वाला है बहुत ही ख़तरनाक है, और यहाँ पर अक्सर जो है एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं इस मोड़ में, ठीक है ना, अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं इस मोड़ इस वाली जगह पर। तो अभी हम रहीमयर खान की मेन रोड पर चढ़ चुके हैं, और अभी तकरीबन हमारा 10 से 15 मिनट का और सफ़र है भाई साहब, तकरीबन आधा 45 मिनट या 50 मिनट लगते हैं, लेकिन अभी हमारा 15 मिनट का सफ़र बच चुका है, जो कि 15 मिनट के बाद हम रहीमयर खान सिटी में एंटर हो जाएंगे। हम आपको जो ये दूर दूर ढेर नज़र आ रहे हैं दोनों साइडों पर, ये तूड़ी भूसे के ढेर हैं जो कि लोग इकट्ठा करते हैं लेते हैं, और जो ईंटे पकाने वाले भट्ठे होते हैं ना उन भट्ठों में जलाए जाते हैं, ठीक है ना। ये जो नज़र आ रहे हैं ईंटे वाले भट्ठे में जलाए जाते हैं ये तूड़ी। तो दोस्तों, सफ़र बड़े ही मज़े से गुजर रहा है, ठंडी ठंडी हवा बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा क्लियर था। तो जी, वेलकम टू रहीमयर खान सिटी। अभी हम रहीमयर खान सिटी के अंदर पहुंच चुके हैं, और रहीमयर खान सिटी का अपना ही एक अलग ही नज़ारा है भाई साहब। जैसे ही हम रहीमयर खान सिटी में दाखिल होते हैं ना, तो हमें यहाँ पर बड़ी बड़ी बिजली की तारें और बड़ी बड़ी शॉप, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, और रश बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर रहीमयर खान जो है पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा सिटी है, शहर है, ठीक है ना।
अब हमने लेनी है हॉस्पिटल वाली रोड, तो यहाँ से हम हॉस्पिटल जाएंगे सीधा, क्योंकि डॉक्टर का टाइम होता है, फिर डॉक्टर अगर टाइम पे ना मिले तो फिर फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम हॉस्पिटल की तरफ अभी हम रवाना हो चुके हैं जी, तो दवाई लेकर बाकी का काम करेंगे। और मेरा कैमरा का सेटअप थोड़ा सा ख़राब हो गया था, लेकिन मुझे पता नहीं लगा, कैमरा बहुत ही ज़्यादा ऊपर की तरफ चला गया। अभी हम दवाई लेकर वापस आ चुके हैं जी, और अभी हमने सोचा घर के लिए कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह ले लेते हैं। तो एक जगह पर हम रुके हुए हैं, और सब्ज़ी का रेट मैंने पूछा भाई से, बहुत ही हैवी रेट बता रहा था, और भाई साहब इतनी महंगी सब्ज़ी लेकर खाना पीना बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली बात है। तो टमाटर जो है 100 रुपये किलो मिल रहे थे हमें, और मैंने लेनी थी जी करेले, ठीक है ना, करेले 150 रुपये के किलो मिल रहे थे भाई साहब। सब्ज़ी बहुत ही महंगी थी, तो हमने एक दुकान से पता किया और फिर आगे हम चले। तो जी दोस्तों गुड आफ्टरनून, अभी आ चुके हैं घर पर, और तकरीबन हम आए थे जी 2 बजे या 2:30 बजे बल्कि हम घर पर आ चुके थे। और घर पर आने के बाद मैंने कुछ टाइम रेस्ट किया, अभी भी उठाया जी, अभी तकरीबन टाइम हो गया है 4:30 का, तो अभी हम चलते हैं जी काम वगैरह करते हैं। जानवरों के लिए हमारा घास जो है इस तरफ काटा कुतरा जा रहा है, जानवरों का जो घास है वो छोटे छोटे किया जा रहा है, कुतरा जा रहा है, उसके बाद हम जानवर बाहर निकालेंगे, जानवरों को बांधना है यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाली जगह जो है यहाँ पर जानवरों को बांधना है। और रोहिला यहाँ पर घास उठा रहा है, तो जी गाइस ये देख लें जी घास हमने कुतर लिया है, और अभी जाकर जो है इसको उठाते हैं, जानवरों को डालते हैं जी, ठीक है ना। अभी इसको हमने उठाना है, और उठाने के बाद इसको हमने डालना है जानवरों को। तो रोहिला गया हुआ है जी, इसके अंदर जो घास के अंदर हमने मिलानी है ना तूड़ी, दरअसल जो घास के अंदर हम तूड़ी मिलाते हैं वो लेने के लिए गया है, वो जैसे लेकर आते हैं फिर हम मिला कर डाल देंगे, ठीक है। तो जी भाई साहब अभी अभी हमने इस व्लॉग को किया है एडिट, और एडिट करने के बाद अभी अपलोड भी करना है, हमारे इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, तो देखते हैं जी आज पता नहीं अपलोड हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता कि अपलोड हो पाएगा, क्योंकि शाम 9 बजे तक भी अगर अपलोड हो जाता है ना तो हम इसे पब्लिक कर देते हैं। और ये देख लें जी हमारे घर पर आए हुए हैं मेहमान नंदलाल और दर्शन, देख लें जी नंदलाल और दर्शन आपस में लड़ाई कर रहे हैं जी खाने पर, दही से रोटी खा रहे हैं अपनी नानी के घर से अपनी नानी के घर से ये खा रहे हैं जी रोटी, ये देख लें जी दही और रोटी।